हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 14 अगस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, सबने देखना है, एंजॉय करना है मेरे व्लॉग को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा। मैंने ना पहना था वाइट कलर का कुर्ता, बाहर बहुत शॉर्ट था, मैंने इसलिए पर वॉइस नोट करना ही बेहतर समझा। मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने वाइट कलर का कुर्ता और पजामा पहना था, वाइट ही दुपट्टा वेयर किया था साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना मेकअप करना स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखा दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने यू वेल की सनस्क्रीन यहाँ पे यूज़ की है अपने फेस पर, क्योंकि सनस्क्रीन इस सीज़न में यूज़ करें बहुत ही बेटर है, वरना आपकी स्किन पर बहुत सख्त टैनिंग आ जाती है और बहुत फिर बुरी हालत स्किन की हो जाती है, सारी स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी है, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ सब चीज़ों का। और ये मैंने यहाँ पे दो फाउंडेशंस ली थी, एक मैंने टेक्निक की ली थी और एक मैंने क्रिस्टाइन की ली थी। टेक्निक का थोड़ा डार्क शेड था और क्रिस्टाइन का लाइट था, तो मैंने दोनों को ही मिक्स करके एवरी शेड बनाया। और मैंने यहाँ पे इन दोनों को आप लोगों को जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इन दोनों का मिक्स करूँगी और फिर मैंने ये अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू किया। ये भी बहुत अच्छी है, ये आप वैसे भी किसी कॉस्मेटिक से ले सकते हैं, या तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सारा कॉस्मेटिक आपको वहाँ से मिल जाएगा और बहुत अच्छा उनका कॉस्मेटिक होता है। मज़े की बात ये है इनकी कि इनके कॉस्मेटिक पे डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा और बहुत रीज़नेबल प्राइस में इनका कॉस्मेटिक ईजीली मिल जाता है और हर ब्रांड इनसे मिल जाता है। और ये मैंने एक लिपस्टिक ली थी, मेडोरा की लिपस्टिक पड़ी थी मेरे पास, मैंने उसी से अपना ब्लशन सेट किया था। और मैं पफ वगैरह नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और ये जो मस्कारा है ये भी मैंने हैदराज कलेक्शन से लिया था, मैं बार बार बता रही हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने अप्लाई किया था, मैंने मस्कारा के अलावा और कुछ भी नहीं था लगाया, क्योंकि मैंने सॉफ्ट लुक देनी थी आइज़ पर, जस्ट मैंने मस्कारा ही अप्लाई किया था। फेस कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा। मैंने यहाँ पे हाईलाइटर लिया, मेरे पास पहले ही हाईलाइटर ये पड़ा हुआ था, जब मैंने हाईलाइट किया तो लुक ज़्यादा अमेजिंग आ रही, लुक वाओ थी, परफेक्ट लुक आ रही। और ये भी जो है ये भी बहुत अच्छे हैं, 2-in-1 आपको लिप ग्लोज मिलेंगे इनका, ये भी मैंने वहाँ से ही लिए थे। और इनका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी बहुत अमेजिंग है। और इसकी सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी है इनके साथ लिपस्टिक्स के साथ आपको ग्लोज भी मिल जाते हैं, और बहुत ही ये कूल शेड थे। फिर मेरे साथ यूँ कुछ हुआ कि मुझे ना अपने लिप्स पे ना मैट इतना अच्छा नहीं लग रहा था ग्लोज, तो मैंने ना अपना शाइनर वाला ग्लोज मैंने उठाया और वो फटाफट ना मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा बेटर लग रहा था। इसके बाद चलते हैं बालों की तरफ, मैंने अपने हेयर्स बनाना शुरू किए। मैंने अपने हेयर्स पे कोई आयरन नहीं किया, कोई मैंने उनको कर्ल्स नहीं किए, कोई मैंने उनके साथ उनके ऊपर ब्लो ड्राई नहीं किया, कोई छेड़ा छाड़ी नहीं की, जस्ट मैंने उन पर ब्रशिंग की और अपने हाथों से ही बालों को सेट करके बहुत अच्छा सा बना लिया। इसके बाद मैंने वॉच पहनी और बस मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी, रिंग्स मैंने पहले ही पहनी हुई थी, और बस मैंने अपनी वॉच पहनी और ये थी मेरी फाइनल लुक। बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सिंपल सा मैं तैयार हुई थी, मैं ज़्यादा तैयार नहीं थी। मेरे छोटे छोटे कज़न रेडी शेडी होकर आ गए थे, मैंने भी फिर थोड़ा तैयार शेयर होकर थोड़ी टिकटॉक वगैरह बनाई और तस्वीरें वगैरह ली, बहुत मज़ा आया। मामा हम लोगों को पैकेजेस मोल लिए थे कि यहाँ पे फेर लो। क्या कर रहे हैं मोहित, क्या कर रहे हो? से हाय, से हाय। Oh,
इतना रश था, इतना क्राउड था फूड कोर्ट पे कि हमें आधे घंटे के बाद हमारा ऑर्डर रिसीव हुआ था। हम लोगों ने एक्चुअली जेडी एक्सप्रेस से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमने केएफसी ऑर्डर कर दिया, लेकिन वहाँ पर तो बहुत रश था, हमने इसलिए यहाँ से ऑर्डर कर लिया। एक तो समझ ही नहीं आती है कि हमारे पाकिस्तानी बैंड और बाजे बजाने के लिए मुल्क आज़ाद करवाए। हम पैकेजेस गए, वहाँ पे पूरा बैंड बाजा शादी का माहौल था। यार कुछ होता है गली में बाजे बैंड बाजे, आप कोई इवेंट करें, कोई प्यारा सा इवेंट करें, ये क्या बैंड बाजे हर जगह बैंड बाजे।